अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपका अकाउंट है वो फ्रीज हो गया है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है किसी भी कारण से, जैसे आप किसी ऐप में कैशिनो या कोई भी गेम खेल के पैसे जीतते हो उस वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, या किसी के थ्रू आपके खाते में फ्रॉड राशि आपके खाते में आ जाती है उस वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो मेरा भी अकाउंट है वो फ्रीज हो गया। वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि फ्यूचर में आपका किसी का भी अकाउंट है वो फ्रीज हो जाए तो उसको अनफ्रीज कैसे करवाना है, उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप है वो बताने वाला हूँ। जैसे ही आपका खाता है वो फ्रीज हो जाता है तो बैंक वाले आपको क्लियरली किसी भी टाइप की डिटेल है वो नहीं देने वाले, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बैंक पे दबाव बना के डिटेल लेनी है कि आपका अकाउंट है वो फ्रीज क्या हुआ है, या आपकी जो भी रिपोर्ट हुई है उसकी आपको क्या करना है। सिंपली उसके एक नंबर होते हैं रिपोर्ट के, जो ऑनलाइन साइबर क्राइम में जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट नंबर लेने हैं, उसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपके खाते में किसके थ्रू पैसे आए हैं और किसने अकाउंट है वो फ्रीज करवाया है। फिर कौन से थाने के अंदर इसकी जो कंप्लेंट की गई है वहां थाने में भी जाके आप बात कर सकते हो। पहली बात तो यह है कि आप बिल्कुल भी घबराए ना, अगर आपका खाता फ्रीज हो गया है तो किसी भी टाइप की घबराहट या कोई भी टेंशन नहीं ले, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप सही हो तो। गलत हो तो आपको घबराने की जरूरत है। अगर आप सही जगह हो और बिल्कुल भी सही हो, कोई भी आपके पास फ्रॉड राशि नहीं आई है, जैसे मैं बिजनेस करता हूँ लैपटॉप कंप्यूटर का, तो कोई कस्टमर आया मेरे खाते में पैसे डाल दिए तो मेरा अकाउंट है वो फ्रीज हो गया क्योंकि उसके पास फ्रॉड राशि थी। इसी तरीके से आपके पास भी कोई फ्रॉड राशि आ जाती है तब आप क्या करोगे, जैसे आपका अकाउंट है वो अनफ्रीज हो जाए, उसके लिए सिंपली आपको बैंक जाना है, बैंक से पूरी डिटेल निकलवानी है कि किसने किस तरीके की रिपोर्ट है, क्या है, कौन से थाने में रिपोर्ट हुई है, और किसी भी तरीके से किसी पे भी दबाव नहीं बनाना है। आपको सिंपली जहां पे रिपोर्ट हुई है वहां पे जाके आपको बात करनी है, वहां का जो भी CI हो, थाना अधिकारी हो, उसे आपको बात करनी है, बताना है कि साहब ये मैटर है, जो मैटर है वो आप क्लियरली उनको वहां पे जाके बता दोगे और एक एप्लीकेशन लिख के दे दोगे कि भाई मेरा नाम ये है और ये मेरा अकाउंट नंबर है और ये मैं काम करता हूँ, मेरे इस खाते में पैसे आए हैं और मैंने ये जो माल दिया या जो लिया, जो भी आपकी डिटेल है वो बता दे। जो गलत है उसको घबराने की जरूरत है, अगर आप सही हो तो आपको किसी भी घबराने की जरूरत नहीं है और वहां पे आपकी 101% है वो हेल्प की जाएगी क्योंकि पुलिस वाले अपनी हेल्प करने के लिए ही बैठे हैं, तो आपका अकाउंट है वो अनफ्रीज हो जाएगा। बट वहां पे आपको जाना पड़ेगा जहां भी आपकी कंप्लेन हुई हो। तो मेरी कंप्लेन हुई थी जोधपुर, वहां पे मैं गया तो वहां के जो भी पुलिस थाने के जो स्टाफ थे अच्छी तरीके से बिहेवियर किया और मैंने पूरी पूरी डिटेल बता दी कि मैंने ये चीज उस कस्टमर को दी और वहां से घूम के पैसा है वो मेरे पास आया। तो इस तरीके से आपका कभी भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आपको सिंपली स्टेप करना, नंबर एक बैंक में से आपको डिटेल निकलवानी है कि आपका अकाउंट है वो फ्रीज है, वो किस वजह से हुआ है। तो बैंक वाले आपको पूरी डिटेल दे देंगे कि इस वजह से आपका अकाउंट है वो फ्रीज हुआ है, इसने करवाया है, क्यों करवाया है, किसने फ्रॉड किया है, पूरी की पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बैंक वाले आपको एक स्टेटमेंट के अंदर दे देंगे और उसमें ऊपर ही ऊपर आप देखोगे, देखो जो भी कंप्लेन होगी यहाँ पे आप देखो उसके एक नंबर होंगे। सिक्योरिटी पर्पज के लिए मैं नंबर को ब्लर कर देता हूँ, तो ये नंबर आप चेक करवा सकते हो किसी भी थाने के अंदर और उसमें पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल मिल जाएगी और जिस थाने में ये रिपोर्ट हुई है उस थाने में आप जाके CI साहब है, अगर CI भी आपकी बात नहीं माने तो वहाँ के जो लोकल SP है उससे बात कर सकते हो, पर वहां तक आपकी जाने की जरूरत नहीं है, उसी में CI साहब भी आपका वो काम कर देंगे अगर आप बिल्कुल सही हो। गलत हो तो नहीं होगा, सही हो तो वहां पे जाने के तुरंत एक या दो दिन के अंदर आपका खाता है वो अनफ्रीज हो जाएगा। आपको एक NOC दे देंगे, मैं आपको स्क्रीन पे NOC दिखा देता हूँ, बाकी नंबर मैं ब्लर कर देता हूँ एक सिक्योरिटी पर्पज पे। इस तरीके से आपको एक NOC मिलेगी, वो NOC आपको बैंक वालों को देना है और बैंक वाले एक या दो दिन के अंदर आपका अकाउंट है वो अनफ्रीज कर देंगे। तो ये सिंपल तरीके आप अपना के अपना अकाउंट है वो अनफ्रीज करवा सकते हो। ये जो तरीका मैंने बताया वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे व्यक्ति के लिए है, जो एक अच्छा व्यक्ति है, काम कर रहा है या किसी भी रीजन से उसके पास फ्रॉड राशि आ गई है, वो अपने खाते को अनफ्रीज करवाना चाहता है या वो साइबर क्राइम में सम्मिलित नहीं है। अदरवाइज आप गलत हो तो किसी भी हाल में आपका अकाउंट है वो अनफ्रीज नहीं होगा, इस बात का खास करके ध्यान रखें। सजा है वो तो अलग से है ही आपकी, साथ में खाता भी वो अनफ्रीज नहीं होने वाला। अगर आप सही हो, आपके पास सही पैसे आए हैं, तो आपको घबराने की 1% भी कोई जरूरत नहीं है, ना कोई वकील करना, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा किसी भी टाइप से नहीं करना है। कोई भी कहते भाई आप वकील हायर कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी नहीं करना है। जिस थाने में रिपोर्ट हुई है वहां पे जाके आप पूरी जो बात है वो पूरी क्लियर बता दो कि ये पेमेंट मेरे पास यहां से आया, वहां से आया, जो भी है। आपको तो पता ही है आपके खाते में जो पैसे आते हैं, किसने भेजे हैं, क्या भेजे हैं, कहां से आए हैं, सारी डिटेल है वो क्लियरली बता दो, तो उसके बाद में वो 101% आपकी हेल्प है वो करेंगे ही करेंगे अगर आप सही हो तो। तो इस वीडियो में थोड़ी बहुत भी आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिला है, तो ऐसे ही और रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब है वो पक्का कर ले। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।